नाम है प्रणीन भेद भ्रमण मार युग प्रकार एक, ठीक है ना। हाँ ये नाम है प्रणीन भेद भ्रमण मार युग प्रकार एक। तो प्रणीन मतलब भेद लगेगा, प्रणीन भेद लगेगा, भ्रमण मतलब भ्रमण लगेगा, अपन ने सीखा भ्रमण लगाना पिछले प्रयोग में भी सीखे हैं। युग, युग का मतलब होता है साथियों जो काम आपने पहले मोहरे पर किया है वही काम कहां कर लोगे, तीसरे मोहरे पर। प्रकार एक, इसमें प्रकार एक को दो चलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया इतना तो करेंगे। भेद नहीं, प्रणीन भेद भ्रमण मार युग प्रकार एक क्रमशः एक विभाग सह एक। पहले भेद प्रणीन भेद लगा लो, वही दाहिना बाएं पर उठाओ, दाहिने हाथ से दंड को पीछे खींचो और भेद प्रणीन भेद, इतना काम कर लिया, कर लिया। अब क्या करना है, दंड दाहिनी भुजा पे ले आओ, दाहिनी भुजा पे ले आओ दंड, लिया है। अब तो बायां पैर आगे है, अभी अपने भेद भेद प्रणीन भेद लगाया ना, अब जो बायां पैर दंड दाहिनी भुजा पे लिया है विभागसा दो में, विभागसा तीन में जो बायां पैर आगे है इसको पीछे उठा लो, ऐसे ऐसे उठा के पीछे कर लो, ये कर लिया। अब दो भ्रमण मार, मार दो भ्रमण, मार दो पहले मोहर पर, ये भ्रमण भ्रमण मार भ्रमण मार भ्रमण, विभाग सा तीन चल रहा है, भ्रमण मार ये एक हुई, एक मार दो भ्रमण मार भ्रमण मार भ्रमण मार भ्रमण मार, ठीक। चार में क्या करना है साथियों, जो पैर उठा हुआ है अपना बायां पैर पीछे की ओर, मतलब पैर तो आगे है लेकिन जिसका अपन ने पंजा पीछे कर दिया है ना, इसको रख दो, रख दो तीसरे मोहर पर, ये हो गया चार। पांच में डंडे को रख दो कहां पर, बाएं कंधे पर, और पहले मोहर पे प्रहार मार दो विभाग सा छह प्रहार, ये दबी हुई स्थिति होना चाहिए, ठीक है, दबी हुई स्थिति, ठीक। अब ये प्रयोग तो खत्म हो गया, हाँ लेकिन अब मैं कैसे आ गया पता आपको, प्रहार लगाने के बाद क्या किया था मैंने, ये प्रहार और प्रहार सिद्ध बना के मैंने क्या कर लिया, ढेर सिद्ध कर लिया। तो मेरी दृष्टि ऑटोमेटिक कहां चली गई, तीसरे मोहरे पर। अब ये का ये काम तीसरे मोहरे पर करना है, जो काम मैंने पहले मोहरे पर किया ना इधर कैमरे की तरफ, अब वो काम मुझे तखत की ओर करना है तीसरे मोहरे पर, ठीक है, करना है क्रमशः दो विभाग सा एक, यही। अब इधर पूरा उल्टा चलेगा, पूरा काम उल्टा चलेगा, हाँ उधर आपने भेद प्रणीन भेद लगाया था, कौन सा पैर लगाया था, बाएं पैर को उठाया था, अब यहां कौन सा पैर उठ रहा है, दाहिने पैर उठेगा, देखना ये उठा दाहिना पैर उठा है और यहां बाएं हाथ से दंड को पीछे खींच रहे हैं, ये भेद प्रणीन भेद, ठीक, पूरा उल्टा चलेगा, पूरा काम उल्टा, ठीक। अब यहां पैर कौन सा आगे तीसरे मोहरे पर, कौन सा पैर आगे है, यहां कौन सा पैर आगे तीसरे मोहरे पर, दाहिना पैर, तो दाहिने पैर को भी उठाऊंगा और पंजे को पीछे ले जाऊंगा और दंड बाएं भुजा पर आएगा, ठीक है, विभाग सा तीन, ये दंड का आगे बाएं भुजा पर और दाहिना पैर जो आगे इसको पीछे उठा लिया, देखो ये पंजा पीछे कर लिया, ठीक है, ध्यान में आ गया। अब दो भ्रमण मार दो, तो भ्रमण विभाग सा चार विभाग सा तीन भ्रमण मार, एक मार दो भ्रमण मार, ठीक। चार में जो दाहिने पैर उठा हुआ पीछे पंजा उसको रख दो, चार रख दिया, रख दिया। पांच में डंड इधर बढ़ना है, तीसरे मोहर में बढ़ना है, तो कहां रखोगे डंड को, कहां प्रहार लगाना, तो कहां रखोगे, दाहिने कंधे पे ले आओ पांच, और छह में प्रहार मार दो, छह प्रहार सिद्धा। साथियों प्रयोग तो पूरा हो गया, हाँ खत्म, बस इतनी काम था, बस क्रमशः दो में तीसरे मोहर का जो काम है वो विक्रम स्थिति से किया, मतलब उल्टा किया, उधर से जब हम आए थे तो जो भी काम दाहिने हाथ से किया ना जाते समय बाएं हाथ से किया, बट इतना था इस प्रयोग में, ठीक है, क्रम में करके बताऊंगा एक बार। प्रणीन भेद भ्रमण मार युग प्रकार एक, वीडियो क्रमांक 22वां, क्रमशः एक भेद प्रणीन भेद है ना, बाएं पैर उठा लो, ये भ्रमण मार भ्रमण मार, पैर को रख दो दंड बाएं कंधे पे ले जाओ, प्रहार मार दो प्रहार सिद्धा, एक एक अंतिम से मोर कर दो क्रमशः दो, दाहिने पैर से करो अब भेद प्रणीन भेद, दंड बाएं भुजा पे ले आओ, दाहिने पैर को पीछे उठा लो, दाहिने पैर को पीछे उठा लो, ये दो भ्रमण मार दो, दो भ्रमण मार दो,
भ्रमणमार भ्रमणमार पैर को रख दो, दंड दाहिने कंधे पे जाओ, प्रहार मार दो, प्रहार प्रहार सिद्धा।